नीलोखेड़ी के विधायक धर्मपाल गौंदर ने नीलोखेड़ी के संधीर रोड स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास के डेरे में जाकर वहां बनाए गए कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक उनके साथ मौजूद रहे। धर्मपाल गौंदर ने राधा स्वामी सत्संग व्यास डेरे की प्रशंसा करते हुए कहा कि जब जब मानवता पर खतरा आया है, डेरा हमेशा समाज और जनता की भलाई के लिए आगे रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले लॉकडाउन में भी नीलोखेड़ी स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास के डेरे में हजारों श्रमिकों को ठहराया गया था और जिसकी प्रशंसा खुद मुख्यमंत्री ने भी की थी। शर्मा जी, मैं सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आप जन जन की जो खबरें हैं सरकार तक पहुँचा रहे हैं। जैसा कि एक साल से ज़्यादा हो गया कोविड महामारी को चलते हुए, सरकार इस पर पूरा संज्ञान ले रही है। अब कुछ दिनों में कोविड केस इतने ज़्यादा हो गए थे कि जो भी बीमार होता था वो बड़े शहरों की तरफ भागता था, तो शहरों में जगह, बड़े हॉस्पिटलों में जगह न होने के कारण इब तुरंत माननीय मुख्यमंत्री ने, प्रशासन ने संज्ञान लिया भाई क्यों नहीं हम जितने भी नज़दीक कोई संस्था है, कोई जैसे कोई धर्मशाला है, कम्युनिटी सेंटर है, इनमें कोविड सेंटर खोले जाए। जैसे अभी थोड़े दिन पहले गोंदर में 50 बेड का खोला गया था, आज नीलोखेड़ी के राधा स्वामी सत्संग भवन में 10 बेड का कोविड सेंटर बनाया। उसका खाना पीना रहना सब डेरे की तरफ से होगा। और पिछले साल भी जब प्रवासी आए थे काफ़ी संख्या में लोग, तो जो बहुत परेशान हो गए, राधा स्वामी सत्संग भवन में बड़े सेवा भाव से उनको रखा गया। और अब भी उन्होंने अपनी मर्जी से भी, जब हॉस्पिटल में जगह नहीं है तो हम कुछ सेवा का मौका हमें दे, तो आज राधा स्वामी सत्संग भवन नीलोखेड़ी में कोविड सेंटर बनाया गया 10 बेड का, पीछे त्रावड़ी में बनाया गया था। सरकार इस पे संज्ञान ले रही है और भगवान की कृपा से अब केस भी बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं, ये लॉकडाउन की लगाने से होया है। तो पब्लिक से मेरा निवेदन है भी जैसे जैसे सरकार लॉकडाउन के लिए बोल रही है, थोड़े 10 दिन के अंदर ही आधे से भी ज़्यादा कम संख्या में केस रह गए हैं और एक हफ्ते को और लगाया। जनता से निवेदन है भी आप लॉकडाउन का समर्थन भी करें और लॉकडाउन का आप पालन करें जिससे कि हम इस बीमारी से मुक्त हो सकें।